होकर आना है, आपको फोकस करना है उनकी लीडरशिप के ऊपर, ताकि आपके लीडर्स भी सक्सेसफुल हो सके, ताकि आपके लीडर्स भी अपने लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सके, ताकि आपके लीडर्स भी अपने टाइटल्स को अचीव करके उस रिकग्निशन को पा सके, राइट? सो हमें टीम वर्क पे फोकस करना है, और टीम वर्क बेसिकली आपको तभी अच्छा लग मिलेगा जब आप अपने टीम को डुप्लीकेट कराएंगे। आज अगर आपकी एक टीम है और वो आपकी तरह काम करती है, मान लीजिए कि आप अपनी परछाई या अपनी शैडो किसी और पर्सन के अंदर देखते हो, सिमिलर काम, सिमिलर काम करने का तरीका, सिमिलर बात करने का तरीका, सिमिलर पैशन फॉर दिस बिजनेस, तो ये जो टीम बनेगी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। और सिर्फ यही नहीं, जब हम बात करते हैं सक्सेस की, तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा सक्सेस प्लान, जो कि बहुत ही यूनिक है, इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि यहां पर आपके पास है एंडलेस पॉसिबिलिटीज, यानी कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज जो शायद आपने सोची होंगी। सो एक 0% ब्रांड पार्टनर का सपना जरूर होगा कि वो एक दिन मैनेजर बने, एक दिन डायरेक्टर बने, एक दिन गोल्ड डायरेक्टर बने, और एक दिन डायमंड डायरेक्टर भी बने। लेकिन ये जो सपने हैं, ये हमारे सिर्फ यहाँ नहीं खत्म होते, हमें कोशिश यही करनी है कि हम एक दिन जरूर एक डायमंड प्रेसिडेंट डायरेक्टर जरूर बने। और आपके पास यहाँ पे इस सक्सेस प्लान के अंदर सारी इनकम, अनलिमिटेड इनकम, कैश अवार्ड्स, बोनसेस, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, टाइटल्स, हर एक चीज इस पूरे सक्सेस प्लान के अंदर आपको मिलेगी। सो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको एक टारगेट देता हूं, लेट्स से कि आपको एक सीनियर मैनेजर बनना है इसी महीने में, तो एक सीनियर मैनेजर बनने के लिए एक सही सेल्स फोर्स क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। एक सीनियर मैनेजर बनने के लिए आपको कितने लोगों की सेल्स फोर्स चाहिए, यानी कि कितने लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा होने चाहिए? चैट बॉक्स में लिख के बताइए प्लीज। ओके, सो मेरे पास बहुत से लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ओके, दैट इज करेक्ट। हमें एटलीस्ट 200 लोगों की जरूरत होती है, और मैं ये आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल के तौर पे। सो लेट्स से कि आपके पास आज इस समय सिर्फ 50 लोगों की टीम है, राइट? और मैंने आपको टारगेट दिया है सीनियर मैनेजर बनने का, यानी कि 10,000 पॉइंट करने का। तो अगर मैं इन 10,000 पॉइंट्स को इन 50 लोगों में इक्वली डिवाइड कर दूं, तो मेरे को हर एक इंसान से 200 पॉइंट्स जरूर चाहिए, राइट? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास 2 महीना है, आप इस 50 की सेल्स फोर्स को 200 की सेल्स फोर्स बना दो, तो 2 महीने बाद अगर आपको 10,000 पॉइंट्स करने होंगे, तो आपको हर एक पर्सन से, यानी कि 200 लोगों से सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स की जरूरत होगी। और हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 50 नहीं 100 बीपी करते हैं, 100 भी नहीं 150 200 बीपी करते हैं, राइट? सो हमारा जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा, और हम 10,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स पे क्लोज कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने, राइट? और जब आपकी सेल्स बढ़ेंगी, जब आपके बीपीज बढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होगी, क्योंकि आपका पैसा बढ़ेगा, राइट? और यहाँ पे हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए। सब लोग यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर क्यों बने हैं, ताकि वो अपने लिए पैसा कमा सके, अपने ड्रीम्स पूरे कर सके। सो जैसा हमारे खुद के फाउंडर रॉबर्ट कहते हैं कि रिक्रूट रिक्रूट रिक्रूट। सो आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपका बिजनेस का पहला पड़ाव होना चाहिए रिक्रूटमेंट। अगर आपके पास रिक्रूटमेंट है, अगर आपके पास नए लोग हैं, तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो आपका पूरा बिजनेस अगर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट के ऊपर चलता है। अगर
इस महीने आपने ज्यादा रिक्रूटमेंट करी, आपको ज्यादा का अमाउंट का चेक आएगा। अगर आपने कम रिक्रूटमेंट करी, आपके पास कम लोग हुए, कम ऑर्डर्स हुए, तो ऑब्वियसली आपके पास कम अमाउंट का चेक आएगा, राइट? सो इस बिजनेस में, जैसे हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक ऐसा नेटवर्क जो आप अपने लिए खुद के लिए क्रिएट कर। और जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, जो हमारे पास लीड्स आती हैं, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, ताकि हम एक इंसान से उसके रेफरल्स के थ्रू कम से कम 20 लोगों से और कनेक्ट कर सके। So, आप सब लोगों ने सुना है कि हम नेम बैंक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो नेम बैंक एक्टिविटी पे काम भी करते हैं, बट इस नेम बैंक एक्टिविटी से हमें बेनिफिट कैसे मिलता है? So, let's say कि आप एक नए पर्सन के साथ मिले, आपने उन्हें ज्वाइन कराया, अब वो पर्सन तो काम करना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो किन लोगों से बात करे, और जिन लोगों से बात करनी भी है तो क्या उनका कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उनकी एक नेम बैंक एक्टिविटी कराएंगे, उनसे उनके रेफरेंस के नाम, फोन नंबर लिखवाएंगे, और उन्हीं लोगों से बात करके, उनके साथ कैटलॉग शेयर करके उनसे ऑर्डर्स कलेक्ट करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इन 20 से 30 लोगों में से कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जो आपकी तरह बिजनेस करना चाहेगा। सो इन बिजनेस के बेसिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए, बिकॉज आपको ये हेल्प करेगा नए लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने में। एंड जितना आप ज्यादा लोगों को एम्पावर करते हैं डेली बेसिस पे, अब आप अगर 10 लोगों से बात कर रहे हैं, 10 लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, तो वो 10 लोगों के लिए आप एक दरवाजा खोलते हैं, एक दरवाजा जहां पे वो अपनी खुद की सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट कर सकते। और ये बिजनेस सिर्फ आपका फायदा नहीं देता, ये बिजनेस फायदा देता है हर उस इंसान का जो इस बिजनेस का पार्ट बनने की कोशिश करता है और बनना चाहता है, राइट? सो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सक्सेसफुल स्टेप्स लेने हैं, अगर हमें अपने टाइटल्स अचीव करने हैं, तो हमारे को एक प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को चलाना होगा। हमें हर दिन एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग, एक गेटिंग स्टार्टेड और एक घंटा टेलीकॉलिंग करना ही जरूरी है। और अगर आप ये करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स और रिक्रूट्स को हर दिन टारगेट कर पा रहे हैं। जब आपके साथ नए लोग जुड़ जाते हैं, तब आप उन लोगों के ट्रेनिंग्स रख सकते हैं, जिन ट्रेनिंग्स में आप उनको सिखाएंगे इस बिजनेस के बारे में कि कैसे इस ग्रो किया जाता है, कैसे यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, और किस तरीके से हम यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को आगे सेल करते हैं। सो डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटी मीटिंग, टेलीकॉलिंग, वीकली बेसिस पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, और मंथली बेसिस पे आप दे सकते हैं स्टेप वन और स्टेप टू की ट्रेनिंग्स, राइट? एंड आई एम श्योर आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपके नेटवर्क में ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो आपको सिर्फ उन लोगों से लिंक शेयर करना है ताकि वो इन मीटिंग्स को अटेंड कर सके, राइट? और जब हम बात करते हैं अपने टाइम के बारे में, तो हमारे साथ, हमें भी पता है कि बहुत अलग अलग कैटेगरी के लोग जुड़े हुए हैं। अगर आज आप अपनी सेल्स फोर्स खोल के देखोगे, तो आई एम श्योर 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस बिजनेस में सिर्फ एक सेल्फ यूजर की तरीके से जुड़े हुए, यानी कि वो अपने लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं, अपने फैमिली के लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं, एंड दैट इज इट। 10% लोग शायद ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे फोकस करते होंगे, राइट? और बाकी के बचे हुए 10% लोग जो ग्रो करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक तरीके से आपके बिजनेस को बिल्ड करते हैं, ये लोग होते हैं हमारे कोर टीम का पार्ट, राइट? सो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कोर टीम का पार्ट कौन बन सकता है। अगर आप अपना सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बाद आने वाला कौन सा नेक्स्ट पर्सन है जो सीनियर मैनेजरशिप करेगा, उसके नीचे कौन ऐसा पर्सन है जो एक मैनेजर बन सकता है,
सो हमें अपनी कोर टीम को जानना जरूरी है, उनसे डेली बेसिस पे फॉलोअप लेना जरूरी है ताकि आप उनको हेल्प कर सको उनके टारगेट्स मीट करने में, राइट? और जिस तरीके से आप अपना टाइम प्लान करते हो डेली, उसी तरीके से आपके लीडर्स का भी टाइम प्लान होना चाहिए। 70% टाइम आपका जाना चाहिए रिक्रूटमेंट के ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने बोला बिजनेस है रिक्रूटमेंट से। 15% टाइम ट्रेनिंग्स में, जिसमें शायद आपको बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग्स मिलती हैं अपने इस पूरे नेटवर्क को, तो आपको अपना टाइम वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, आप सिंपली लोगों को इनवाइट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो अटेंड करने के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम जहां पे आपके पास जो टाइम बच जाता है आप वहां पे अपने लीडर्स के साथ फॉलोअप ले सकते हो। और इस फॉलोअप में सिर्फ आपको ये नहीं पूछना कि कितने पॉइंट्स हुए, कितने रिक्रूट्स हुए, कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, आपको उन्हें सपोर्ट करना है। अगर कोई पर्सन लैग कर रहा है, अगर किसी पर्सन को कोई हेल्प की जरूरत है, तो आपको वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, राइट? और जब ये सारी चीजें एक सही मैनर में हो रही होंगी, तो आपको ये जरूर पता लगेगा कि आप और आपकी टीम इस ओरिफ्लेम की ब्यूटीफुल कम्युनिटी का पार्ट बन चुका है, राइट? अब इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? आप नए लोगों से मिलते हैं हमारे इवेंट्स पे, आप सोशल मीडिया के ग्रुप्स पे और भी अलग अलग नेटवर्क के ब्रांड पार्टनर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो बिजनेस को अपने किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, राइट? और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस की, तो आप खुद अपना टारगेट रख सकते हैं कि आपको कौन सी डेस्टिनेशन के लिए इस साल क्वालिफाई करना है। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में 90% से भी ज्यादा लोग हैं जिनका एक ड्रीम होता है ट्रैवल करना, और ये ट्रैवल करना यहाँ नहीं है कि मसूरी और शिमला और नैनीताल चले गए, ये ट्रैवल करने का मतलब है पेरिस, दुबई, बैंकॉक, सोल, यूएसए, इन सारी जगहों पे जहां हम सिर्फ सोचते हैं कि एक दिन जरूर जाएंगे। और इस सोच के पीछे आपकी बहुत सारी प्लानिंग होती है कि अगर जाएंगे तो इतना पैसा सेव करना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, घर पे बात करनी पड़ेगी, छुट्टी लेनी पड़ेगी और ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप ओरिफ्लेम के साथ अपने ट्रैवल ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने पासपोर्ट्स रेडी करने, अपनी क्वालिफिकेशंस को मीट कीजिए, अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को पूरा कीजिए, ताकि आप फ्री में ट्रैवल कर सके, फ्री में इंजॉय कर सके हमारे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस को। एंड वी आर सुपर सुपर हैप्पी बिकॉज अब ओरिफ्लेम की कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एंड जल्द हम लोग सब जाने वाले हैं दुबई डायरेक्टर सेमिनार के लिए। आप सभी को पता भी होगा, एंड जितने लोग हैं जो नए हैं जिन्होंने मिस आउट कर दिया है, तो आपका चैलेंज क्या होगा? आपका चैलेंज ये होगा कि आप आगे आने वाली सारी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स को क्वालिफाई करके दिखाएंगे, राइट? सो हमारे पास इस साल रीजनल मैनेजर सेमिनार है, वी हैव द डायरेक्टर सेमिनार बैंकॉक जो कि 2023 में होगा, इसका क्वालिफिकेशन पीरियड दिसंबर इसी साल खत्म होगा, एंड देन यू हैव इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जहां पे आपके पास गोल्ड कॉन्फ्रेंस, डायमंड कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस है, राइट? सो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि ये कौन सी डेस्टिनेशन है जहां आप जाना चाहते हो। मेरे हिसाब से पांचों की पांचों डेस्टिनेशंस बहुत अमेजिंग है और आपको जरूर उनको क्वालिफाई करना चाहिए। इसलिए अपने टारगेट्स, अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में अप टू डेटेड रहें, और सिर्फ खुद ही नहीं अपनी टीम को भी बताएं, ताकि आप अकेले ना ट्रैवल करें, अपनी टीम के साथ ट्रैवल करें, राइट? सो ऑल द सीनियर मैनेजर्स एंड मैनेजर्स, आपके लिए ये आखिरी महीना है किस किस चीज का। चलिए, मेरे बताने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस महीने क्या क्या चीजें आप क्वालिफाई कर सकते हो और कौन सी प्रोग्राम्स का ये आखिरी मंथ है।
सो लेट्स सी कौन मेरे को बता पाएगा, जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए हम एक राउंड ऑफ अप्लॉज दे सकते हैं सारे लोग। चलो मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं, तीन ऐसी चीजें हैं जिनका लास्ट मंथ है ये। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जो तीनों एक साथ बताएगा उसके लिए होगा। ओके आई कैन सी समवन। संजीवना ने मेरे को लिखा है मैसेज, शी हैज रिटन एंटरप्रेन्योर बोनस, मैनेजर बोनस एंड मैनेजर सेमिनार। यस, सो यस संजीवना, आपने बिल्कुल सही कहा, हम सब लोगों की तरफ से आप लोगों आपके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड यस, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज यही कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। अगर आपको दो लोगों को ज्वाइन कराने पे 500 रुपए मिल रहा है तो क्या आप वो चीज पूरा नहीं करोगे? बिल्कुल आप वो चीज करोगे। सो सभी 3, 6 और 9% लेवल ब्रांड पार्टनर्स के लिए आखिरी महीना अपने लिए एंटरप्रेन्योर बोनस कमाने का, जहां आपको दो लोगों को रिक्रूट करना है, उनका 100 BP पूरा कराना है और आपको मिलेंगे 500 rupees एज अ बोनस, राइट? सो आप चाहे तो 2, 4, 6, 8, 10 रिक्रूट जितने भी कराएं, हर दो रिक्रूट पे आपको मिलेगा 500 rupees का बोनस, राइट? एंड सिमिलरली जो हमारा एनिवर्सरी स्पेशल मैनेजर्स बोनस आया है, जो कि सभी नए 12, 15 और 18% मैनेजर्स के लिए है, तो जल्दी से एक बार याद कर लीजिए, जल्दी से एक बार रिइट्रेट कर लीजिए कि क्या आपने अपना नया मैनेजर लेवल अचीव कर लिया है, और अगर उसे अचीव कर लिया है तो क्या आपने उसे मेंटेन करा है, और अगर आपने उसको मेंटेन भी कर लिया है तो क्या आपने अपना रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया पूरा करा है। क्योंकि अगर आप इस जर्नी पे निकल पड़े हैं, आप एक मैनेजर बन चुके हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आप एक नए सीनियर मैनेजर जरूर बनेंगे। सो आपके पास मौका है 4,000, 8,000 या फिर 15,000 में से कोई भी एक कैश बोनस अपने लिए कमाने का। और जैसा कि सब लोगों ने सही आंसर दिया ही था, ये आखिरी महीना है मैनेजर सेमिनार के लिए, जहां पे इस क्वालिफिकेशन को 6 महीने होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस मीटिंग में जितने लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई कर लेना चाहिए, और जिन्होंने नहीं करा है तो मैं इस मंथ आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस मैनेजर सेमिनार को क्वालिफाई करेंगे। बिकॉज हमने ये मीटिंग मैनेजर्स सीनियर मैनेजर्स के लिए रखी थी, तो मेरा दावा यही कहता है कि आप इस मैनेजर सेमिनार को जरूर क्वालिफाई करें। एंड डोंट फॉरगेट, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है, जहां आपको 12 रिक्रूट्स करने थे 50 BP के साथ पूरे 6 महीने के अंदर, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपकी रिपोर्ट में आपको प्रोवाइड कर सकता हूं कि आपने कितने लोगों को अभी तक रिक्रूट कर लिया है, ठीक है? So, यहां तक हमने बात करी बेनिफिट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एक सीनियर मैनेजर बनने पर आपकी अर्निंग्स कितनी होती है, पैसा कितना मिलेगा, राइट? एंड ये जो कैलकुलेशन मैं आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूं, ये कैलकुलेशन सिर्फ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले लीडर्स के लिए, जो आने वाले टाइम में अपने लिए सीनियर मैनेजर लेवल को अचीव करेंगे, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सिर्फ इस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक लीडर हैं जो कि एक सीनियर मैनेजर बनने वाले हैं या बन चुके हैं, सो आप यहाँ पर एक टीम क्रिएट करते हैं, जहां पे आपके पास लेट्स से 6 लोग हैं आपकी डायरेक्ट लाइंस में, जिसमें से एक 9% लेवल है, एक 15% मैनेजर है, एक 12% मैनेजर है, एक 9% ब्रांड पार्टनर है, 1 is a 6% और एक और पर्सन है जो 6% पे। अब इनके नीचे भी ऑब्वियसली टीम्स होंगी, बट हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर ये लेवल्स पे हम लोगों को देखते हैं तो हम खुद
एक 22% लेवल पर आ जाते हैं, 10,200 बीपी करके हम अपना सीनियर मैनेजर लेवल पूरा कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्सन की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो 200 बीपी आपने अपने पर्सनल करे हैं, ये आपने अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं सेल करे, राइट? तो अगर आप सेल करते हैं ये 200 बीपी, आपको हर एक बीपी पे कितने रुपए मिलते हैं? 13 रुपए। सो यहां आप कमा सकते हैं 2,600 रुपए सिर्फ और सिर्फ अपने बीपी करने पे, राइट? अब हम बात करेंगे कि आपको 22% सीनियर मैनेजर बनने पे अपनी पर्सनल सेल्स के ऊपर कितना ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। सो आप कमाते हैं 200 बीपी के ऊपर 1,672 रुपए, 1,672 रुपीज आप कमाते हैं अपने ट्रेड डिस्काउंट के तौर पे। और अब जब हम बात करते हैं कि हर एक डाउनलाइन के ऊपर आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो कितना होगा और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें बी की, जो कि एक 9% ब्रांड पार्टनर है, तो इन्होंने करे 1,200 पॉइंट। अब हमने इन पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करा बिजनेस वॉल्यूम से, जो कि है 38, और हमने इसे मल्टीप्लाई करा लेवल से। अब आप ये सोचोगे 13% लेवल क्या है, सो ये 13% बेसिकली गैप है 22 और 9 के बीच का। अगर आप 22 में से 9 माइनस कर देते हैं तो 13% का इंसेंटिव आप कमाते हैं बी के ऊपर। सो आपके पास बी से आएगा 5,928 रुपए। उसी तरीके से क्योंकि सी ने अपना 15% लेवल करा है और आप 22 पे हैं, तो 22 माइनस 15, यानी कि आप कमाते हैं सी के ऊपर 7% का इंसेंटिव। सो यहां पे आपको सी से मिलेगा 10,640 रुपए। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने डाउनलाइंस के लेवल्स के ऊपर, राइट? और जब हम इन सब को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास एक इंसेंटिव अर्निंग आ जाती है, जो होती है 38,912 रुपए सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव्स, राइट? और ये जो इनकम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक अप्रोक्सीमेट इनकम है। हो सकता है इसकी आपकी इनकम इससे थोड़ी ज्यादा हो सकता है थोड़ी सी कम हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप 30,000 से 35,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव पे कमा सकते हैं। और जब हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो आपके पास 40,000 से 45,000 रुपए तक कमाने का मौका है, राइट? सो यस, ये थी एक सीनियर मैनेजर की इनकम। आप चाहें तो आई जस्ट गो बैक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आप यहाँ पे ये जरूर याद रखें कि जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो आप उनको ये इनकम की कैलकुलेशन के बारे में जरूर बताएं, राइट? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बेटर रहे, आपको पता रहे कि इसको हम कैसे आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप ने इस साल सोचा है कि आप अपने लिए एक नया लेवल अचीव करने वाले हो, आप एक डायरेक्टर बनने वाले हो, तो आपके पास मौका है 150% का कैश अवार्ड कमाने का और अपना टाइटल सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में अचीव करने का। और मैं आपको ये कैलकुलेशन एक एग्जांपल से दिखाऊंगा, जहां पे आपके सामने क्लियर आपको पिक्चर दिखेगी कि कैसे ये चीज पूरी हो सकती है। सो लेट्स से कि यही वो महीना है जहां पे आपने सीनियर मैनेजर लेवल अपना पूरा करा, तो आपको सीनियर मैनेजर लेवल पे एक इनकम आएगी 40,000 से 45,000 रुपए तक की। डिपेंड करता है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसा है। सिमिलरली सेकंड मंथ में भी सेम इनकम आपके नेटवर्क स्ट्रक्चर के ऊपर। थर्ड मंथ जैसे ही आप अपना सीनियर मैनेजर लेवल मेंटेन करते हैं तो आपको मिलता है 30% का कैश अवार्ड, यानी कि 15,000 रुपए। आपको मिलता है डायरेक्टर का टाइटल और साथ ही साथ एक टिकट बैंकॉक का। और आने वाले मंथ्स में अगर आप अपने लेवल को मेंटेन रखते हैं तो आप हर महीने अपने लिए 20% कैश अवार्ड, यानी कि 10,000 रुपए हर मंथ कमा सकते हैं। सो ये हुआ 15,000 रुपए पहले 3 महीने का, और उसके बाद 6 महीने तक आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, जिससे आपकी टोटल कैश अवार्ड इनकम हो जाएगी 75,000 रुपए।
एंड नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए, जब आप 6 महीने तक अपना डायरेक्टर लेवल मेंटेन करके रखते हैं तो आपके पास मौका है सोल का एक टिकट क्वालिफाई करने का। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं जिसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है कि अगर आप एक डायरेक्टर बनकर गोल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका कैश अवार्ड जो है वो आपको नहीं मिलेगा, आप उसके बदले में एक टिकट खरीद सकते हैं, राइट। और जब आप पूरे 9 महीने अपने डायरेक्टर टाइटल को मेंटेन करके रखेंगे तो आपका बैंकॉक का सेकेंड टिकट भी क्वालिफाई हो जाएगा। सो आप ये देखिए, 9 महीने का समय सिर्फ अपना सीनियर मैनेजर लेवल मेंटेन करने पे आपको इतना सारा बेनिफिट, इतनी सारी कैश अवार्ड इनकम और इसके ऊपर से जो आपकी इनकम होगी वो भी मिलेगी, राइट। सो अगर आपने ठान लिया है इस साल कि आप एक डायरेक्टर बनने वाले हैं तो आपकी तकरीबन इनकम 7 लाख रुपए हो जाएगी इस साल की, कैश अवार्ड 75,000 तक आप कमा सकते हैं, 2 टिकट्स मैनेजर सेमिनार का, 2 टिकट्स बैंकॉक का और साथ ही साथ 15,000 रुपए हर महीने ड्रीम प्रोग्राम्स का, राइट। सो यहाँ पे अभी तक हमने कैलकुलेशंस, हमने बेनिफिट्स, हर एक चीज के बारे में बात कर लिया, बट अब इन सब चीजों को कैसे लिया जाए, इन सब चीजों पे कैसे फोकस किया जाए। जब आपके बैलेंस होगा लाइफ में, जब आपके काम में बैलेंस होगा, अगर आप दोनों तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे तब आप इस बिजनेस में ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। सो इस टाइम पे आपके पास मौका है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लोगों से कनेक्ट करने का। अगर आप चाहें तो लोगों से फिजिकली मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो लोगों के साथ जूम पे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे को सिर्फ नए लोगों से कनेक्ट करने का एक जरिया चाहिए। और जैसा मैं बोलता हूं, हम सब बोलते हैं कि हमारी सक्सेस का एक मंत्र है, आपको हर हफ्ते वीकली बेसिस पे सिर्फ एक रिक्रूट करना है और एक वीआईपी कस्टमर को ज्वाइन कराना है। और सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं होगी, आई मस्ट से अगेन, सिर्फ ज्वाइन नहीं कराना है, हमें इनसे एटलीस्ट 50-100 बीपी का ऑर्डर जरूर पूरा कराना है। सो इसको अपना टारगेट मान लीजिए, अपना टास्क मान लीजिए, या फिर एक अल्टीमेटम, या फिर एक मंत्र जहां पे आपको हर हफ्ते ये चीज पूरी करनी ही करनी है। और आप अकेले नहीं करेंगे, आपकी टीम भी करेगी, क्योंकि टीम अगर रिक्रूट करेगी, टीम में लोग एक्टिवेट होंगे तो आपको डेवलपमेंट दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपकी तरह लोग भी ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो यस, विद दिस मेरा आखिरी सवाल आप सभी लोगों से आखिरी सवाल है और इसका जवाब मेरे को सबसे चाहिए कि 2022 दिसंबर 31 तक आप कौन सा टाइटल करने वाले हैं, कौन सा ये ड्रीम टाइटल है जो आप जरूर करके दिखाएंगे, और मैं आपको उस स्टेज पे देखना चाहूंगा, मैं आपको वहां पे उस स्टेज पे रिकॉग्नाइज होते हुए देखना चाहूंगा जहां पे आपने ये ड्रीम टाइटल अपना अचीव करा है। तो ध्यान से एक बार सोचिए और मेरे को और अपने सभी टीम मेंबर्स को, नेटवर्क में सब लोगों को जरूर बताइए कि ये कौन सा लेवल है जो आप इस साल के एंड में अपने लिए जरूर लेने वाले हैं। ओके, सो मेरे क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आ चुके हैं एंड बहुत से लोग सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, गोल डायरेक्टर, सीनियर गोल डायरेक्टर, ओके दैट इज ग्रेट। So, ये मैंने अपने लिए नहीं लिखवाया है, ये मैंने लिखवाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज अगर आपने ये कमिटमेंट करी है कि आप इस लेवल को पूरा करेंगे तो ये कमिटमेंट आपकी खुद से है। आप अगर इसे फुलफिल करते हैं तो आप ही उसका बेनिफिट उठाएंगे, अगर आप इसको पूरा करते हैं तो आप ही उसके हकदार होंगे, राइट। हम सिर्फ आपकी सेलिब्रेशन का एक पार्ट बन सकते हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट कराना हम लोगों को वो आप कर सकते हैं, राइट। सो यस, इसके साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सक्सेस की शुरुआत
अभी से शुरू कर लीजिए, राइट? कि अगर इस साल सक्सेसफुल होना है, इस साल कुछ करके दिखाना है, तो अपनी एफर्ट पुट इन कर दीजिए। क्या हमने आपसे कुछ मांगा है सिवाय एफर्ट और टाइम के? क्या आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है? नहीं। क्या आपको अपने लिए कोई जगह खरीदनी है? नहीं। क्या आपको खुद से प्रोडक्ट्स देने जाना है लोगों को? नहीं। क्या आपको प्राइसिंग करनी है प्रोडक्ट्स की? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ काम करना है रिक्रूटमेंट के ऊपर, आपको काम करना है लीडरशिप के ऊपर, आपको काम करना है लोगों को ट्रेन करने के ऊपर। और ये सब पॉसिबल है घर बैठे बैठे अपने फोन के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू। और अगर आप ये एफर्ट पुट इन करते हो तो आपको रिजल्ट खुद मिलेगा। ना मुझे बताने की जरूरत होगी, ना आपके अपलाइन को बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं बस यही चाहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं जरूर अपने टाइटल्स को अचीव करें, जल्द से जल्द करें, ताकि मैं आपकी सेलिब्रेशन का, हम सब आपकी सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बन सके। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इस महीने को, इस साल को बहुत ही धमाके से हम एंड करेंगे और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा के दिखाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। बेस्ट ऑफ लक।